Now, India Today has also spoken to Congress Chief Revant Reddy, who spoke, as we know, that at this point, it's a three-front fight. You have the BRS, the Congress, and the BJP in Telangana who are fighting off. As India Today spoke to Telangana Congress Chief Revant Reddy and AIMIM, a question was asked about him on AIMIM to him, the BRS and the BJP working together as teams. Here's what he had to say in his explanation. जब ऑपोजिशन आपको टारगेट करता है एक ही कहना है कि रेवंत रेड्डी बिलोंग्स टू आरएसएस, आरएसएस हैज पुट हिम इन कांग्रेस पार्टी टू पुट फॉरवर्ड देयर आइडियोलॉजी, डोंट ट्रस्ट हिम। भाई ये बीजेपी वाला या नहीं है तो बीआरएस वाले या नहीं है तो एमआईएम, ये तीन पार्टियों वाले कह रहे हैं। मतलब क्या है, ये तीनों का सोच, तीनों का चुनाव रणनीति एक ही है, क्योंकि तीनों का गठबंधन कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे। अगर मैं चाहे तो मैं अपोजिशन से ही फिर कांग्रेस पार्टी अपोजिशन में ज्वाइन हुआ है, तो तब बीजेपी सरकार में है, बीजेपी को आरएसएस का मदद भी है, तब उधर ही जाते थे ना। मैं मोदी और अमित शाह जी के साथ में काम करते थे, कांग्रेस में आने का क्या जरूरत है? इसका मतलब वो लोगों को कुछ मुद्दा है ही नहीं है मेरे खिलाफ बोलने के लिए, तो ये भटकाने के लिए कोशिश कर रहा है। एमआईएम बार बार माइनॉरिटी वोट कांग्रेस पार्टी के तरफ मूव हो रहा है, वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी हो, मुस्लिम माइनॉरिटी हो, सिख माइनॉरिटी, जैन माइनॉरिटी, जो भी है, अभी देश कतरा में है, डेमोक्रेसी कतरा में है बोलकर ये सब लोग जो माइनॉरिटीज है कांग्रेस साथ जोड़कर आगे आ रहा है, इसीलिए वो माइनॉरिटीज को भटकाने के लिए ये लोग ऐसे इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे हैं।